पञ्च भाव्यञ्च सर्वं यश्चाधितिष्ठते स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ॐ अग्नेय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् योयोध्यस्मच्युः राणु मे नो भूयिष्ठां ते नम उक्तिम् गण, विद्वत गण, अधिकारी गण, देश विदेश से आए हुए समस्त बहनों भाइयों को और बच्चों बच्चियों को मेरा नमस्कार स्वीकार हो। मित्रजनों, आप सबकी इच्छा होगी कि हम पाकिस्तान में रहकर किस प्रकार आर्य समाज का कार्य करते हैं, कितनी कठिनाइयां हैं, कौन सी असुविधाएं हैं जो हमें आड़े आती हैं और आर्य समाज का काम करने में रोकती हैं। वो व्यक्तिगत रूप से मैं इन सब का विवरण, इन बातों पर काफी चर्चा हो चुकी है, लेकिन ये विश्व आर्य सम्मेलन है, कल की जो श्रृंखला थी कि हमारे आर्य समाज को किणवंतो विश्वमार्यम का जो हमारा नारा है उसके लिए हम कौन से कदम उठाएं और क्या करें, इसके विषय में कुछ कहना चाहूंगा। वैसे संक्षिप्त में इतना बताना चाहूं कि काफी वर्षों से पाकिस्तान के हैदराबाद, कंदकोट और घोटकी आदि डिस्ट्रिक्ट्स में हम काम कर रहे हैं और आप समस्त महानुभावों की आशीर्वाद से आगे करते रहेंगे। मैं इस सम्मेलन पर सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा और आर्य समाज के समस्त अन्य सभाओं को कुछ सुझाव देना चाहता हूं और उनके आगे अपने जो विचार है रखना चाहता हूं। उनमें सबसे मेरा पहला जो सुझाव है कि आप वेद का अनुवाद करवाएं। हमारे पास स्वामी दयानंद के 150 साल के पुराने जो अनुवाद हैं, उनकी भाषा आज के नौजवान नहीं समझ पा रहे और उनकी जो विद्वता का स्तर है वो आज के साधारण मनुष्यों से कई ऊंचा है। इसलिए वेद के सही भाव को साधारण भाषा में समझाने के लिए उसका अनुवाद आवश्यक है। उसके साथ साथ मैं ये चाहूंगा कि समस्त प्रांतीय भाषाओं में और देश विदेश की भाषाओं में, नहीं तो कम से कम इतनी भाषाओं में जितने देशों से आर्य समाज के अतिथिगण यहाँ आए हैं, उन भाषाओं में वेद का प्रचार होना चाहिए, वेद का अनुवाद होना चाहिए। और मैं इस विषय में सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्रीमान कैप्टन देवरत्न जी आर्य और दिल्ली प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्रीमान राज सिंह जी, रात जो संकल्प स्तर था, पता नहीं उन्होंने उसमें क्या संकल्प लिया, लेकिन आज मैं ये संकल्प उनसे लेना चाहता हूं कि आने वाले जो आर्य महासम्मेलन है उसमें इन समस्त देशों की भाषाओं में वेदों का अनुवाद होगा। और मैं उनसे ये भी संकल्प लेना चाहता हूं कि जैसे कहते हैं कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय हो जाएगी फिर करेगा कब। मैं उनसे कहूंगा कि इस सम्मेलन में जितने महात्मा जन, जितने संन्यासगण और जितने महान विद्वान आए हैं, इतना शायद एक दो वर्षों में फिर संभव ना हो, इसलिए आज के आज ही आप ऐसी समिति का संगठन कर लें 5 या 10 विद्वानों की, जो विद्वान इस दिशा में काम करें
और वेद के अनुवाद में संलग्न हो जाएं और आज से ही कार्य का प्रारंभ हो जाए। इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि वेद को सस्वर अर्थ सहित कैसेट्स, ऑडियो, वीडियो, डीवीडी पर उनको टेप किया जाए और उनकी सस्वर जो है उन अर्थ सहित ये डीवीडी ऑडियो और सीडी को प्रचार किया जाए, ताकि जो लोग पढ़ने में अरुचि रखते हैं वे लोग सुनकर वेदों के ज्ञान को प्राप्त कर सके। इसके साथ मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि एक वेद सेंटर बनाया जाए, इंटरनेशनल वेद सेंटर बनाया जाए और इंटरनेशनल वेद सेंटर में वेदों के समस्त अनुवाद जिसने भी किए हैं वो समस्त अनुवाद मौजूद होने चाहिए, वेदों के स्वर की सीढ़ियां मौजूद होनी चाहिए और वहां ऐसे विद्वानों को बिठाया जाए जो वेदों के ऊपर जो शंकाएं होती हैं उन शंकाओं का निवारण किया जाए। उस सेंटर की एक वेबसाइट होनी चाहिए कि संसार के समस्त आर्यजन उनसे संपर्क कर सकें, अपनी शंकाओं का निवारण कर सकें। और आर्य समाज की समस्त संस्थाओं को मैं एक और बात करना चाहता हूं कि समस्त संस्थाओं का ये जो आर्य समाज का परम नियम है कि वेद का पठन पाठन यानी पढ़ना पढ़ना सुनना सुनाना आर्यों का परम धर्म है, इस परम धर्म को स्वीकार करते हुए ये अपना परम धर्म रखें और अपना परम नियम रखें कि हम वेदों को छपवाएंगे और इसको कम से कम रेट में लोगों को पहुंचाएंगे। व्यक्तिगत रूप से मैं समस्त मनुष्यों से, समस्त आर्यजनों से ये प्रार्थना करना चाहता हूं कि कम से कम आप अपने वेद में, आप अपने घर में वेदों का एक सेट जरूर रखें। यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं, मैं समझता हूं अगर मैं सवाल पूछूं तो आधे से ज्यादा लोग ऐसे होंगे जिनके घरों में वेद नहीं है, और जिनके घरों में वेद है और वो वेद को हाथ नहीं लगाते, उसका पाठ नहीं पढ़ते। जबकि स्वामी दयानंद ने आर्य समाज का प्रथम उसे तीसरा नियम यह रखा है कि वेद का पठन पाठन और सुनना सुनाना आर्यों का परम धर्म है, अपने परम धर्म से हमें भटकना नहीं चाहिए, भ्रष्ट होना नहीं चाहिए, इसलिए वेद को पढ़ना चाहिए और अपने घरों में वेद को रखना चाहिए। और हर समाजी को अपनी संतान को वेद पढ़ने के लिए देना चाहिए, उन्हें प्रेरित करना चाहिए कि हम वेद को पढ़ें और पढ़ाएं, और जितना हो सके हम अपनी तौर पर वेद के प्रचार हेतु, वेद के प्रकाशित हेतु अपना दान दें, अपनी यथाशक्ति दान दें। जब तक हम दान नहीं देंगे और जब तक हम कार्य नहीं करेंगे उस समय तक हम वेद को संसार के मनुष्यों तक पहुंचा नहीं सकेंगे और हमारा जो नारा है कृणवंतो विश्वमार्यम उसको हम सफल नहीं बना पाएंगे। कृणवंतो विश्वमार्यम का नारा तभी हमारा सफल होगा जब हम समस्त मिलकर काम करेंगे और तन मन धन से त्याग और तपस्या से काम करेंगे। बातें बहुत थी लेकिन समय की कमी के कारण मैं अधिक आपसे बात नहीं कर सकता। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे अनुमति चाहता हूं। नमस्कार।